दोस्तों सब्सक्राइब करो टेक्निकल यू को और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल यू में, मैं योगेश। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ZPay के जरिए आप किस तरीके से बिटकॉइन खरीद सकते हैं और परचेस कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आप ZPay में कर सकते हैं, तो किस तरीके से आप बिटकॉइन परचेस करेंगे और किस तरीके से सेल करेंगे और किस तरीके से ZPay में आप KYC वेरीफाई करेंगे, इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग तो हमें जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको ZPay का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जो कि एक ऑफिशियल ऐप है और आपको ये डाउनलोड करना है। इसका कोई वेबसाइट प्लेटफॉर्म नहीं आता है, बट ये एप्लीकेशन में ही वर्क करता है, iOS एंड एंड्रॉयड दोनों में भी वर्क करता है। ठीक है, इसे ओपन करने के बाद सिंपली आपको मोबाइल नंबर डालना है और एक OTP डालना होगा और लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद में आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर ये 3 लाइन दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर टैप करना है, उसके बाद में वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद में आपको यहाँ पर 4 चीज़ें देखने को मिलेगी, जिसका देखिए ईमेल आईडी है, उसके बाद में यहाँ पर पैन कार्ड है जो कि मेरा वेरीफाई है, उसके बाद में बैंक अकाउंट है जो कि मेरा वेरीफाई है, उसके बाद में मेरा आधार कार्ड है, आधार कार्ड की भी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपको वेरीफिकेशन के लिए पैन कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, ये तीनों चीज़ें साथ में लगेगी, जिसका फ़ोटो निकाल के आपको अपलोड करना होता है। ठीक है, तो आपका वेरिफिकेशन अगर कंप्लीट हो जाता है तो आपको फिर से 3 लाइन पर टैप करना है, उसके बाद में यहाँ पर माय एड्रेस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ही आपका बिटकॉइन का एड्रेस आपको मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद में चलिए हम किस तरीके से आप खरीदेंगे बिटकॉइन और किस तरीके से सेल करेंगे ये हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिपॉजिट एंड विड्रॉल फर्स्ट स्टेप होता है बिटकॉइन खरीदने के लिए। आपको यहाँ पर डिपॉजिट करना होगा अमाउंट जो भी आप करना चाहते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल ट्रांसफ़र के लिए आपको 10,000 रुपीज़ मिनिमम ट्रांसफ़र करना होगा। अगर आप नेट बैंकिंग के जरिए, अगर UPI के जरिए अगर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 6 PM आफ्टर 6 PM में अगर करना चाहते हैं तो आपको 2,500 रुपीज़ की लिमिट है। ठीक है, तो यहाँ पर 2,500 रुपीज़ की जो लिमिट है ये भी कर सकते हो आप, और ये 10,000 रुपीज़ का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये UPI वाला है, ये आपके इंटरनेट बैंकिंग से आपका अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा, बट ये जो नॉर्मल ट्रांसफ़र वाला है ये UPI के आपको नेट बैंकिंग के ज़रिए नहीं होगा, आपको यहाँ पर अमाउंट डालना होगा। ठीक है, सपोज़ यहाँ पर 10,000 डाल दिया, उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया, उसके बाद में आपको क्या करना है नॉर्मल ट्रांसफ़र पर, ये देखिए 10,000, उसके बाद में नेक्स्ट कर देते हैं, उसके बाद में एग्री टू कंटिन्यू। और ये जो अमाउंट डिपॉजिट करते हैं ये अमाउंट आपको आप जिस जो भी बैंक आप वेरीफाई कर चुके हैं उसी बैंक से आपको ये अमाउंट सेंड करना है। अगर उसी बैंक से अगर नहीं सेंड करते आप तो ये आपका अमाउंट फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा और आपके अकाउंट में रिफंड आ जाएगा और आपके 2,250 रुपीज़ काट लिए जाएंगे। तो आपको ये अमाउंट जिस बैंक को आपने वेरीफाई किया है इसके साथ में उसी बैंक के ज़रिए आपको ये अमाउंट यहाँ पर सेंड करना है। और आपको यहाँ पर इसका अकाउंट नंबर जो है ZPay वालों का यहाँ पर अकाउंट नंबर वो डालना है, जो कि इस अकाउंट पर आपको पैसे डालने, चाहे आप RTGS करें, NFT करें, IMPS करें, उसके बाद में नेक्स्ट, उसके बाद में नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद में आपने IMPS किया या आपने RTGS किया वो चॉइस करना है, और उसका रेफरेंस नंबर यहाँ पर डालना है, उसके बाद में ये सक्सेसफुल ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद में हम इसे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको आपकी अमाउंट दिखाई देगी, या 0 रुपीज़ जो शो कर रहा है यहाँ पर, जितनी भी आपने अमाउंट डिपॉजिट की वो यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, उसके बाद में आपको अगर सेल अब बाय करना है बिटकॉइन, आपने डिपॉजिट तो कर दिया, अब बाय पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम बाय पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद में जितनी भी अमाउंट का आप यहाँ पर बिटकॉइन परचेस करना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ पर डाल दीजिए, और उसके बाद में यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो भी आपका अमाउंट होता है यहाँ पर बिटकॉइन, यहाँ पर देखिए आप बिटकॉइन का रेट कितना चल रहा है, 6,08,000 रुपीज़। तो ठीक है, तो आपको यहाँ पर जिस भी अमाउंट, जितनी भी अमाउंट का बिटकॉइन परचेस करना है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है, और आप यहाँ पर सेट प्राइस भी लगा दे सकते हैं, सेट प्राइस के जरिए भी आप ये परचेस कर सकते हैं। सपोज आपने 6 लाख पर लगा दिया तो 6 लाख पर आने के बाद ऑटोमेटिकली परचेस कर लेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बाय कर सकते हैं। अगर आपने परचेस कर लिया उसके बाद में आप सेल करना चाहते हो तो आपको सेल पर क्लिक करना है, उसके बाद में यहाँ पर अमाउंट डालना है, उसके बाद में प्लेस ऑर्डर कर देना है। तो आप जैसे सेल कर देते वो अमाउंट आपको यहाँ पर शो करेगी, यहाँ पर 0 रुपीज़ शो कर रहा है यहाँ पर। और आपकी अमाउंट यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ से विड्रॉल भी कर सकते हैं, आपका जो भी अकाउंट वेरीफाई है वेरीफाइड अकाउंट में ये विड्रॉल हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप ये परचेस कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं बिटकॉइन, उसके बाद में सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये बिटकॉइन आप
जो है ज़िप्पे के ज़रिए ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में अगर और भी कुछ जानकारी चाहते हैं आप तो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इसके बारे में फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।